हेलो एवरीवन। सो एवरी वीकेंड की तरह आज हम फिर से बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर। ओके, सो जैसा कि लास्ट 2 वीक से हमने कोई आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मार्केट 21,800 के आसपास था तो हमने एक ट्वीट डाला था कि मार्केट हमें यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लगता है, मार्केट में कंसोलिडेशन फेज या करेक्शन फेज आ सकता है। वहां से मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर गया एंड अगेन वहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट 1,000 पॉइंट के आसपास, 700 to 800 पॉइंट्स के आसपास करेक्ट करेक्ट भी हो गया। सो ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें तो मार्केट में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का RSI 80 के आसपास है एंड निफ्टी के अंदर भी एक रेसिस्टेंस लाइन के आसपास खड़ा है, जो कि हमने पहले पुरानी वीडियोज में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि डेली में तो वो ऊपर चला गया, बट वीकली टाइम फ्रेम पर एंड मंथली टाइम फ्रेम पर अभी हमें वो उस लेवल से नीचे ही दिख रहा है। तो क्यों जरूरी है कि हम हायर टाइम फ्रेम भी देखें एंड हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देखें। सबसे पहले आपके सामने जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ वो है अपना एचपाल, एचपी एडेशिव लिमिटेड। इस चार्ट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमारे, आपको पुराने जो वीकली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के स्टॉक्स हैं उस पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें एक इस आपका कंसोलिडेशन पेज का ब्रेकआउट आया था इस रेंज में एंड उसके बाद ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उस टाइम मार्केट में हमारा सेलिंग भी आया था। ओके, एंड यहाँ हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी हम कनेक्ट कर सकते थे क्योंकि 2 मेजर लाइन थी। अभी अगर आप देखेंगे तो जो करेक्शन आया तो वो उसी लेवल को उसने टच किया। हमारा यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 month का था, वो हमें देखने को मिला। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट लेवल था वो ये था। तो हमने यहाँ पर जो डिसाइड किया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पहला ब्रेकआउट यहाँ आया, दूसरा यहाँ पर आया। उसके बाद आप देखेंगे करेक्शन आया, वो सारे लेवल को उसने रिटेस्ट किया, अगेन प्राइस ऊपर गया। सो अब हम अगर ध्यान से देखें तो अभी हमारा एक ये सपोर्ट लाइन बनता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट भी किया है एंड आज क्या हुआ है, आज इसने ट्रेंड जो है, ट्रेंड तो ऑलरेडी अप था, ट्रेंड जो है उसको इसने कंटिन्यू किया है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि स्टॉक का ट्रेंड अप हो, तो अगर ट्रेंड अप है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो एचपाल उसमें इसका जो NSE कोड है वो एचपाल है, एचपी एडेसिव। तो इसमें अगर हम देखें आज तो एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग आया है वीकली बेसिस पे, डेली में अगर हम देखें तो एक बार के लिए इसमें सर्किट लग चुका था। सो अगेन वही सेम चीज है, ब्रेकआउट आया हुआ है, तो जो मेरा रिस्क है अगर मैं देखूं रिटेस्ट के लेवल से लेटेस्ट हायर लो, तो अगेन वो बहुत बड़ा हो रहा है हमारा 22% का, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो कि ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख सकता हूं। तो अगर हम रिटेस्ट के आसपास से देखें तो जो रिस्क है वो 14 से 15% का बन रहा है। सो रिस्क का हम 1:2 या 1:3 का टारगेट रख के भी काम कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है तो। और जो पिछला ब्रेकआउट आया था उसका तो अभी टारगेट भी नहीं आया है, क्योंकि उसका जो टारगेट था पिछले ब्रेकआउट का वो अराउंड आपका जो था अराउंड 130-140 के आसपास, वो अभी तक आया नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स हमारी एंट्री के बाद पेशेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपके सामने रिजल्ट है, तो हमें प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ओके, दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार पर है वो है GIC हाउसिंग। तो GIC हाउसिंग में अगर हम देखें तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले भी हमारे रडार में था बट यहाँ पर रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। इस बार क्या हुआ है कि इस बार इसने हमें क्लोजिंग दे दिया है। इस बार अगर हम देखें तो इसने एक ये कंसोलिडेशन फेज है, इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसने एक क्लोजिंग दे दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर ये मंथली पे भी क्लोजिंग दे देता है तो वो हमारे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि मंथली क्लोजिंग में बहुत ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, 5 and 4, 5 and 3, 8 ट्रेडिंग सेशन ही है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ कि मंथली क्लोजिंग का भी वेट कर लेता हूँ कि उसमें मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हमें, हमारे लिए मतलब वो बेनिफिशियरी है कि हमारा कन्विक्शन लेवल बढ़ जाएगा। इसका मंथली पर ऑलरेडी ट्रेंड अप है, जिग-जैग इसका ऑलरेडी बुलिश है। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो इस वीक में एक बहुत ही अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
ये रेंज थी हमारी, इस रेंज का हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सिंपल में अगर हम देखें तो हमारा एक लगभग राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है, एंड इस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो अराउंड 100 रुपीज़ है। सो यहाँ से पैटर्न के अकॉर्डिंग 350 का लेवल अपसाइड में दिखता है हमें। सेम यहाँ पर हमारा हायर लो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है एज पर हायर लो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन भी अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो अगर आप देखेंगे तो इसने ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। एक तो ये ट्रेंड, सॉरी, ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले दो लो को मिलाया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, एंड उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें भी एक बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है, वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो अप साइड में मेजर रेसिस्टेंस मुझे इससे पहले नहीं दिख रहा है। अगर इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है तो होता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। ये दो स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैं प्लानिंग करता हूँ वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो अगर रिस्क मेरा बहुत बड़ा है तो रिटेस्ट का वेट करना ही करना है, रिस्क अगर बहुत बड़ा नहीं है तो हम रिटेस्ट का, मतलब बहुत ज़्यादा दूर क्लोजिंग नहीं है तो हम क्लोजिंग वैल्यू पर भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल था वो 250 था, क्लोजिंग 262 आया है, तो पार्सली एंट्री तो हम कर ही सकते हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेवी रजिस्टर्ड फॉर्म है, हमारा इक्विटेबल लाइफ आईएच के नाम से सेवी रजिस्ट्रेशन है हमारा, हम लोग सेवी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। एज पर सेवी गाइडेंस हम कोई भी यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ जो भी चीज़ें हम यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज हैं। इसमें कोई भी हमारी तरफ से बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हमारा जो स्टडी है उसके बेसिस पर हम आप लोगों को अपना स्टडी शेयर कर रहे हैं। इस स्टडी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, बस वही हमारा एक मकसद है। इनके अंदर हमारी होल्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये दो स्टॉक्स थे हमारे जो हम लोग बात कर रहे थे, बात हमने आज किया। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी, एंड लास्ट टाइम भी जो हमने बात किया था कि हमें क्लोजिंग चाहिए 21,500 के नीचे, राइट? वो हमें नहीं मिला। अगर आप देखेंगे तो ये 21,500 का लो है, उसके नीचे प्राइस गया बट क्लोज नहीं दिया। जो हम वेट कर रहे थे, हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था तो हम लोग वेट ही कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उसके नीचे तो क्लोज हो गया, बट क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया था तो हमारा लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर कोई नेगेटिविटी अभी नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पर एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिख रहा है। बट वीकली पर अगर हम अभी देखें तो इस बार हमारा एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, डोजी बना, फिर तेजी बड़ी कैंडल बनी, फिर हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना। तो बेयरिश इंगल्फिंग पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, तो बेयरिश इंगल्फिंग का अगर स्ट्रक्चर कहीं पे भी आता है, जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, तो क्या होता है जनरली मार्केट या तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है या करेक्शन फेज में आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर बनी है। और इसका व्यू कब इनवैलिड हो जाएगा, जब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीकली पे बना है। डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स की, तो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स जो है अभी हमारा रिसेंटली वो 21,000 के आसपास है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे 20,300 के आसपास है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से और बनती है तो ये ट्रेंड लाइन आगे चल के सपोर्ट का काम कर सकते हैं हमारे लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा एक बेयरिश इंगल्फिंग बना है, डेली पर अगर हम देखें तो साइडवेज ट्रेंड है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट खुला, आज अगर हम देखें तो डोजी कैंडल बना हुआ है। अब हम आ जाते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, मैं एक बार सारी चीजें हटा देता हूँ, अगर हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक वीक स्ट्रक्चर बन चुका है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर सीधा नीचे आया, फिर ऊपर गया है, और अभी फ्लैट चल रहा है। यहाँ पर इस लो के नीचे एंड इस लो के नीचे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोजिंग दे दिया है 75 मिनट के बेसिस पे। तो 75 मिनट पे के टाइम फ्रेम पर एक वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ, पुल बैक जो आया वो इस लेवल जो हमारा पहले रेसिस्टेंस लेवल था उसके पास अगेन जाके रुक गया, एंड अभी अगर हम देखें तो जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो
तो जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो ट्रेंड लाइन के पास ही हुई, और वहां से फिर पुल बैक आया, उसके नीचे फिर क्लोजिंग दे दिया। तो अभी जो मार्केट है वो एक रेसिस्टेंस के पास चल रहा है। इसके ऊपर मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा, जो हमने 75 मिनट के बेसिस पर आज मैंने अपना व्यू शेयर किया है डाउन साइड के लिए। सो इसके ऊपर मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा, या यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा है फिर अगर नीचे आ गया, यहाँ से करेक्शन आ गया तो मेरा वो लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक नया लोअर हाई मिल जाएगा। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल लास्ट टाइम पे देखेंगे कि जो 10,500 की हम बातें कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, ये रेंज में था और उसके नीचे मार्केट नहीं बंद हो रहा था। तो अगर हम एक बार ऑब्जर्व करें पूरा का पूरा पास्ट डेटा, सो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि 75 मिनट में हमें, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ था बुलिश 19,300 पे, वहां से लेकर अभी तक हमें लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं मिला था, मतलब वीक स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला था। यहाँ एक बार मिला था तो उसका स्टॉप लॉस हो गया। इस बार पिछली बार तो बड़ा कंसोलिडेशन नहीं था, बट इस बार बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें मिला है। एंड मार्केट में जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनवरी मंथ में काफ़ी ज़्यादा, जनवरी फरवरी मार्च मंथ में करेक्शन फेज आता है, तो जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 30 30 ईयर्स का डेटा को स्टडी करके। सो उसी पर्पज़ से मैंने 21,800 पर ये चीज़ लिखी थी कि मुझे यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग, बहुत ज़्यादा तेजी में नहीं लग रहा है। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऊपर वाला, उसका भी एक रेसिस्टेंस था। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम चीज़ थी, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने ये सारे पुराने वीडियोज में शेयर किए हुए, तो वहीं पे जाके रुका था मार्केट। और बैंक निफ्टी के अंदर तो एक काफ़ी अच्छा मतलब पहले से ही लोअर लो फॉर्मेशन बन गया था। बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस ऊपर गया बट पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, एंड वहां से फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो कई बार हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास आरआर अच्छा नहीं होता है। तो जैसे अभी करंटली अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ तो सेलिंग साइड में हमारा आरआर अच्छा नहीं है, बट 47,000 के आसपास जाता है, तो हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 47, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 47,300, क्योंकि ये गैप का रेसिस्टेंस है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग। और जो रिसेंटली ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है हमारे, वो रेसिस्टेंस की लाइन है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, और अभी देखें कि मार्केट में पुल बैक क्यों आया यहाँ से, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। सो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंस एक मेजर है। माइनर मेजर बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पर अगेन। तो निफ्टी के 75 मिनट में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा वीक है, एंड 75 मिनट पे डेली पर साइडवेज है, एंड वीकली पर कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एक वीक स्ट्रक्चर बना है, और मंथली पर एक रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अभी प्लानिंग ऐसे कर रहा हूँ कि कोई नई पोजीशन ज़्यादा नहीं ऐड कर रहा हूँ, अगर कर भी रहा हूँ तो पार्शली कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि एक पैनिक सेलिंग आए, एक लोअर लेवल आए, तो हम उसमें फिर से एंट्री या प्लानिंग शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें थी। बैंक निफ्टी और लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ट्विटर पर शेयर कर दिया है। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगेन जैसे कि 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया, तो वो पहले से ही वीक था। यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, एंड उसके बाद अभी नीचे चल रहा है। अभी इसके अंदर कुछ पोजिशन अगर आपको बनानी है तो 47,000 प्लस माइनस 200, अगेन रिपीट, 47,000 प्लस माइनस 200, ये एक रेंज रहेगी जहाँ पर आप आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड 47,300 के ऊपर अगर वो क्लोज हो जाता है राइट, तो हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। डाउन साइड की बात अगर हम करें तो 44,500 के आसपास एक लेवल है जहां पर आप अपना ध्यान रख, मतलब जहां पर आप अपनी फोकस कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और अभी जो कंटिन्यू सेलिंग है वो 45,400 के नीचे कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। तो पुल बैक नहीं आया और बट इसके नीचे क्लोज हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग कर सकते हैं। मेजर सपोर्टिव रेसिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी का 44,000 के पास है बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। ओके, सो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। अब मैं दो स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन पेज का ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट किया है, तो उस पर आ जाते हैं। तो एक स्टॉक है पालरेड करके, पावर टेक्नोलॉजी करके। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपका मंथली चार्ट है, तो इसमें एक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया था। अगर हम यहाँ पे देखें ब्रेकआउट आ गया बट उस टाइम रिटेस्ट नहीं हुआ था, प्राइस ऊपर चला गया फिर अगेन रिटेस्ट हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चला गया आपका अराउंड 2022 से लेकर फरवरी और अभी तक, मतलब 2 सालों तक।
अब अगर हम देखें तो फिर से इस रेंज से बाहर निकलने की तैयारी चल रही है इसकी, ये कंसोलिडेशन फेज में है। इस मंथ में मंथली क्लोजिंग अगर हो जाता है और अच्छी बात है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम अभी तक चल रहा है, और जो कि अभी 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन बाकी है मार्केट के अंदर। वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली में भी हमारा एक कंसोलिडेशन फेज का, एक कंसोलिडेशन फेज में था जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ आप लोगों के साथ लाइन है, तो ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन फेज में था, उससे बाहर निकला है। यहाँ पर हम देखें तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, फिर उसको इसने रीटेस्ट किया है। ओके तो और दूसरी चीज देखें तो अप साइड में 350 तक कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो 350 तक कोई रेसिस्टेंस नहीं है। एंड अगर हम लेटेस्ट दो हाई को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें अप साइड में, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है, तो अप साइड में हमको 450 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले 1.5-2 सालों में। सो ये सब बेस्ड ऑन टेक्निकल है। एंड अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज का रेंज है 200 से लेकर 120 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज का। सो 200 से लेकर 80 रुपीज की भी अगर हम बात करें तो 280 का पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमारा अपसाइड पोटेंशियल बन रहा है। सो ये स्टॉक मेरे रडार में इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके का मैं पैटर्न चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन फेज में रहे, उसके बाद वो बाहर निकले, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ है, पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं है 350 से पहले। इस वजह से मेरे रडार पर ये स्टॉक आया और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद फॉलो अप कैंडल भी इसने बनाया। अब देखिए मुझे नहीं पता है कि टारगेट आएगा स्टॉप लॉस होगा, बस मेरा मुझे इतना पता है कि सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनी है, अपने कुछ को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो जो तरीका मैं अपने खुद के बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन के लिए करता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप भी कुछ सीखें और खुद भी डिसीजन लेके आप काम कर सकते हैं। एक तो पार रेट था, दूसरा है विशाखा। विशाखा इंडस्ट्रीज की बात करें अगर हम, तो विशाखा इंडस्ट्रीज के अंदर भी पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट आया है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट है वो इस कंसोलिडेशन फेज का है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1 month का रेंज का ब्रेकआउट है। ओके सॉरी नॉट 1 month, 1 year का रेंज का ब्रेकआउट है। और इस 1 year रेंज के ब्रेकआउट में अगर हम बात करें तो नवंबर 22 और आज ब्रेकआउट आया जनवरी 24 में। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर था पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डाउन का था, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब जो जिगजैग था वो लोअर लो था, अब इसका हायर है, फॉर्मेशन बन रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पर है, एक ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसका भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड कब डाउन होगा, इसके नीचे इसका ट्रेंड डाउन हो जाएगा। यह आपका रिटेस्ट लेवल था 100 रुपीज के आसपास, उसको इसने टच कर दिया है। 80 रुपीज का आपका इसके अंदर ट्रेंड चेंज का लेवल है। एंड अगर मैं अपसाइड बात करूं तो अपसाइड पोटेंशियल अपसाइड आपका ऑल टाइम हाई तक का है। मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूं तो आप देखिए कि इसमें ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस था, जो कि मैं हमेशा क्लोजिंग वैल्यू की बात करता हूँ तो नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं आया, उसके बाद करेक्शन आया, अगेन प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो पहला इसने साइन दिखाया है। मे बी ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है क्योंकि एक रेसिस्टेंस है 133 के पास, बट फिर भी अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें, क्योंकि अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस बिहेवियर रहा है, जब आता है नीचे तो कंटिन्यू नीचे आता है जिगजैग करके, जब जाता है ऊपर तो कंटिन्यू जिगजैग करके ऊपर जाता है, सॉरी कंटिन्यू जिगजैग करके नहीं, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, इसमें जिगजैग आपको नहीं मिलेंगे अच्छे, बट अगेन गिरा है तो जिगजैग के अकॉर्डिंग गिरा है और अब ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो इससे पहले जो विशाखा ने ट्रेंड चेंज किया था वो यहाँ पर किया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किया था, उसके बाद इसने ट्रेंड चेंज नहीं किया, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं गया एंड कंटिन्यू फिर वहां से प्राइस ऊपर चला गया। तो इस तरीके की चीजें रिपीट हो सकती हैं, टेक्निकल यही कहता है कि पास्ट का जो बिहेवियर है, प्राइस बिहेवियर है, वो रिपीट हो सकता है, उसी बेसिस पर हम काम करते हैं और कुछ नहीं है। ये चीजें हैं, तो इस वजह से विशाखा एंड पार्लरेट हमारे रडार में आया क्योंकि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, बहुत अच्छा वॉल्यूम एंड मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया, बट फिर भी ये स्टॉक्स ने निगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब पूरे वीक में। ये भी अपने को देखना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो स्ट्रॉन्ग है, राइट। उन पे अपने को ध्यान देना चाहिए। हम जल्दी एक मंथली ब्रेकआउट के स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ बनाएंगे जैसे ये मंथ क्लोज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इस मंथ में अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं, बट अभी मंथली क्लोजिंग नहीं आया है, मार्केट ने भी कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है,
बट स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस तरीके की चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके की चीजें कहाँ से निकाल के लाते हैं, कैसे करते हैं, या और डिटेल में आप सीखना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेरी है उसको भी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश मेंटरशिप प्रोग्राम संडे से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी हमारा मार्च से शुरू होगा। और हम लोग मुंबई में एक मीटअप प्लान भी कर रहे हैं, एंड मुंबई में हम वन डे का ऑफलाइन सेशन भी कर रहे हैं हम लोग, एंड वो ऑफलाइन से फिर आप मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो वन डे का हम ऑफलाइन रखेंगे, बाकी हम ऑनलाइन रखेंगे। सो वो चीज़ भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, सो वो चीज़ें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी में मैं मुंबई आ रहा हूँ, और मार्च में हम लोग एक हिंदी सेशन करने वाले हैं, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल में आपको हमारे मतलब जो सर्विसेज हैं या मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9821470567, उस पर आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है वो है equityforlife.co.in, जहाँ पर हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड अपडेट करते हैं, और रिलेटेड टू हमारे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है हमारा सेवी रजिस्ट्रेशन आरए के अंदर, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं invit.in पे, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो ओवरऑल यही सारे तरीके हैं जो हम लोग इन्हीं सारे तरीकों के हेल्प से हम लोग वहां पे भी सारी चीजें सिखाते हैं, और हमारे जो भी सर्विसेज हैं उसमें हम लोग सारी चीजें अपडेट करते हैं। सो कीप लर्निंग, प्रैक्टिस करते रहिए मार्केट के अंदर, और रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, खुद भी स्टडी कीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ये सारी चीजें एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज हैं, एंड इसमें हमारी होल्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.